नालंदा का रहने वाला 11 साल का सोनू इन दिनों खूब सुर्खियों में है। सुर्खियों में वो तब से है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम में उसने हाथ जोड़कर अपील की थी, उन्हें प्रणाम किया था और अपनी कुछ इच्छाएं जताई थी। उसके बाद तो मानो सोनू सुर्खियों से बना रहा। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने उन्हें ऑफर दिया कि जब वो मुख्यमंत्री या फिर बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे तब वो IAS यानी कि जो जिसकी इच्छा है सोनू की IAS बनने की वो उनके अंडर काम करेगा। लेकिन बेबाक बयान देने वाला यह मासूम सा सोनू तेज प्रताप यादव को करारा जवाब देता है। उसके बाद जब सोनू सूद यानी कि बॉलीवुड अभिनेता और कोरोना के समय में मददगार साबित होने वाले सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। सोनू सूद ने स्कूल का नाम भी लिखा है, आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बीटा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो सोनू सूद ने सोनू की पूरी व्यवस्था कर दी थी। रहने से लेकर पढ़ने तक की तमाम व्यवस्था सोनू सूद ने कर दी। खूब वाहवाही हुई सोनू सूद की, जमकर न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी जमकर तारीफ हुई। लेकिन इस बीच अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनू सूद को 11 साल के सोनू ने जवाब दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सोनू सूद जी, यदि मेरी ये इच्छा, दाखिले की इच्छा, एडमिशन की इच्छा मेरे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, अगर वो नहीं करते हैं तब मैं आपके पास आऊँगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्वाभिमानी है यह 11 साल का नालंदा का रहने वाला सोनू। ऐसे में देखना होगा कि सोनू सूद बॉलीवुड अभिनेता किस तरीके से सोनू को अब मदद करते हैं। हालांकि उनके ऑफर को ठुकराया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के साथ जीने वाला ये सोनू फिर एक बार सुर्खियों में है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। द SD News पर आप खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए।